हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी कढ़ी। ठीक है, चावल के साथ में तो हमेशा सब भी खाना पसंद करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैंने लिया है खट्टा दही है मेरे पास। ठीक है, तो ये करीबन होगा 2 से 3 बाउल मेरे पास था। मैंने उसमें पानी डाल के उसको और चला लिया है। अभी मेरे पास आधा बाउल ये बेसन है, तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको पतला घोल बना लिया था। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि पानी में आप 1-2 बूंदें डाल के देखिए, क्या वो तैर रही हैं? तैर रही हैं तो फिर मतलब तैयार नहीं है, तो उसमें और मतलब और बेसन मिला लीजिए। घोल थोड़ा थिक होना चाहिए। तो पकौड़ियों के लिए अब मैंने डाल के देखा तो नीचे बैठ गई और शेप बना रही थी वो पानी में, तो मतलब तैयार है पकौड़ी के लिए। अब मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसको फुलाने के लिए ये जो आप जैसे पकौड़ी डालोगे उसके बाद आप इसमें जो तेल है उसको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो ये फूल जाएंगी पूरी। ठीक है, और जब ये फूल जाएंगी तो इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, फटाफट से निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रखिएगा बाउल में, ताकि ये थोड़ी सी मतलब अगर कोई टाइट हो गई हो तो वो मुलायम पड़ जाए, क्योंकि हम कढ़ी में इतनी टाइट नहीं डालेंगे। आप चाहो तो प्याज इसमें प्याज भी डाल सकते हो। पकौड़ा जो आप मतलब जो कढ़ी पकौड़ा बोलते हैं ना, तो वो पकौड़ा जब बनाते हैं तो उसमें प्याज का घोल भी बना देते हैं। मैंने तो सिर्फ प्याज फ्राई करी है कढ़ी बनाते टाइम, तो आप चाहो तो पकौड़ा बनाते टाइम भी प्याज डाल सकते हो। ठीक है, प्याज डाल के फ्राई कर लीजिएगा सेम वैसे ही। अब मैंने इसमें मठा जो था इसमें मिला दिया है, मैंने इसमें मठा मिला दिया है। ठीक है, तो अब इसमें आप पूरा मठा मिलाकर अच्छे से मिला लीजिएगा और प्याज फ्राई होने दीजिएगा। अब इसमें नमक थोड़ा सा पहले ही डाल लीजिएगा, जब ये नीचे आप फेंट रहे हो हाथ से तभी थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कढ़ी जब आप ऊपर डालोगे उसमें तो फटेगी नहीं। ठीक है, दही फटेगा नहीं जो है। तो अब आपको ये हमारी प्याज हो गई है, मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, मतलब हाथ से डाल दीजिए 4-5-6 मेथी दाना के। हल्दी डाली थोड़ी सी कलर के लिए, आधी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, देगी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। ठीक है, अब मैंने कढ़ी को इसके अंदर डाल दिया है, तो अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। एक पूरा चला के पानी डालना है। अब इसमें हमें पानी डालना है और अब इसको कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। इसमें एक उबाल चाहिए हमें, एक बॉईल पूरा आ जाए उसके बाद ही लो फ्लेम पे करिएगा। कढ़ी में देखिए मैंने पानी डाल दिया है, तो एक मतलब आधा ग्लास ही पानी डाला मैंने, अभी ऊपर तक पूरा फिल हो गया है। तो अब इसे चलाते रहिए, अच्छे से चलाइए। ठीक है, अब इसमें एक उबाल आने देना है हमें। ठीक है, ऊपर से हल्दी मत डालिएगा, अदरवाइज़ बहुत वो ना अलग सा ही कलर भी आता है और फ्लेवर भी अलग ही आता है। मैंने पकौड़ी निकाल दी है, अब पकौड़ी डाल दें इसमें। पकौड़ी भी क्योंकि मेरा एक उबाल आ गया तो मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है, उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। एक उबाल आने के बाद ही आप उसको लो फ्लेम पे करिएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहना है। फिर उसके बाद अब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, आधा टेबल स्पून काफ़ी है। देखिए इसमें जैसे ही बुलबुले स्टार्ट हो जाए मतलब ये हो गई। अब मैं इसमें ऊपर तड़का डाल रही हूँ, फिर घी और लाल मिर्च का मतलब देगी मिर्च का तड़का था। और ये तैयार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।